वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राहुल उर्फ संगा और बाबा ने इसी साल जनवरी में सलमान खान की रेकी की थी। जानकारी के अनुसार वे गैंगस्टर लोरिस बिश्रोई के लिए काम करता है। इसके साथ ही उस पर और भी कई गंभीर आरोप हैं। 24 जून को फरीदाबाद में राशन डीलर परवीन की हत्या का मुख्य आरोपी भी राहुल ही है। मुंबई के बांद्रा में राहुल ने जनवरी के पहले सप्ताह में सलमान खान की रेकी की थी। वह 2 दिन तक मुंबई में रुका था। इस दौरान वो सलमान खान के बाहर आने जाने पर पूरी नजर रखता था। पुलिस ने 15 अगस्त को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से राहुल को गिरफ्तार कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। मंगलवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में निमका जेल भेज दिया गया है। डीसीपी मुख्यालय राजेश दुग्गल ने इस मामले में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि राहुल फुसंगा शातिर बदमाश है। उसने कुख्यात गैंगस्टर लॉयर्स बिश्रोई से और संबंध नेहरा के कहने पर जनवरी 2020 में मुंबई जाकर सलमान खान की रेकी की थी। इस रेकी का इनपुट उसने राजस्थान की जेल में बंद अपने आका लॉयर्स बिश्रोई को दिया था। बता दें कि राजस्थान में काले हिरण के मामले को लेकर रजनीश लॉयर्स बिश्रोई और शपथ नेहरा ने राहुल से मुंबई में सलमान खान की रेकी करवाई। उसके मुंबई से लौटकर आते ही लॉकडाउन लग गया, इस वजह वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो बिग बॉस 2020 को लेकर काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में शो का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसे सलमान खान ने अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस पर शूट किया है। बिग बॉस का प्रोमो शूट करने के लिए सलमान एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट भी नजर आए थे। वहीं सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे, किक 2 और भी कई ईद की फिल्में आने वाली है ईद पर और दिवाली पर। मनोरंजन जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।